और इस वक्त हम ठीक ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हैं और ओल्ड बस स्टैंड के अंदर काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले आरएनबी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे खड्डा खोदा था, उस खड्डे की वजह से आप हालत देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा जो है परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और काफी गाड़ी वालों से हमने बातचीत की, उनका यही कहना है कि काफी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां ऐसे भी होती हैं जिनको ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम होती है तो कहीं ना कहीं वो गाड़ियां इसे छूती हैं, उनको काफी नुकसान होता है और टू व्हीलर्स भी उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मेन चौक चौराहे पे इस तरह की दिक्कत जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। और म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। सर क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओल्ड बस स्टैंड के अंदर इस तरह की परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है? देखिए मुझे बड़े अफसोस की बात है कि ये हार्ट ऑफ द सिटी है, बिल्कुल बीच चौराहा है और ये माना जाता है ये ओल्ड बस स्टैंड जो है इसमें डोडा की शान है, तो ये बीच बाजार में इस पर इतना बड़ा खड्डा है जहाँ पे इस पर लोगों को चलने फिरने में इतनी मुश्किल आती है और बीच में जो बिल्कुल रोड के बिल्कुल बीच में जो है ये खड्डा है, इतना बड़ा खड्डा जो है एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी इसके रिलेटेड में जो डिपार्टमेंट है उसको नज़र नहीं आ रहा है कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं, बाइकें चलते हैं, लोग चलते हैं, तो आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई इस खड्डे में गिरता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी तरफ नज़रसानी करनी चाहिए कि ये बीच बाजार में इतना बड़ा खड्डा क्यों है। देखिए गाड़ी भी जा रही है तो कितनी मुश्किल से यहाँ से चलना पड़ता है, बाइक वाला है उसको भी संभल के चलना है। बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उस तरफ जो है फाउंटेन बनाया गया है और सामने जो है खड्डा बनाया गया है, तो इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? ये तो देखो ये साफ लगता है कि ये तो दिखलावा है। फाउंटेन आने से लोगों की समस्याएं जो हालत नहीं होती है, चलो ये तो एक खूबसूरती है तो, लेकिन कम से कम जो रास्ता है खूबसूरती तो इसको दीजिएगा, रास्ते में जहाँ से लोगों ने चलना है जहाँ से गाड़ियों ने चलना है। ये यहाँ आए दिन कोई ना कोई हादसा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना किसी दिन यहाँ पे बहुत नागरिक आ रहा। पहले लोगों से बातचीत कर रहा था, चाहे वो टू व्हीलर वाले हैं या फोर व्हीलर वाले हैं, बहुत सारी ऐसे भी लोगों ने बताया कि हमारी गाड़ी को ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम होती है और गाड़ी इसे छूती है, काफ़ी नुकसान होता है। और टू व्हीलर्स का ये भी कहना है कि जब हम यहाँ से निकलते हैं गाड़ी बाइक अपनी हम इसमें ज़रूर जाती है बाइक और फिर नीचे उतर के उसको ठीक करना पड़ता है, कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि खतरे की घंटी है ये। आप आजकल जो जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है बहुत कम होती है और खासकर स्कूटी या बाइक की तो बहुत ही कम होती है। उस अब जिन्होंने भी है इसमें खड्डे में देखिए पत्थर डाला हुआ है, इसके साथ तो वो बाइक या गाड़ी जो है लगती है जिससे उसके गाड़ी वाले का भी नुकसान होता है और कभी कोई जब यहाँ पे रास्ते का कंजेशन होती है उस वक्त तो कोई ना कोई यहाँ पे टकराता है इस खड्डे में टकराता है, तो जो आए दिन लोगों की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है। ये मेन चौक की हालत है तो आप खुद समझिए कि बाकी जगहों पे क्या हालत हो। वीआईपी मूवमेंट्स भी बहुत यहाँ से होती है, वीआईपी मिशन डोडा खुद यहाँ से निकलता है, वीआईपी की आंखों के सामने की बात है, तो आप खुद समझिए कि सराउंडिंग में क्या हालत होगी या गांव की क्या हालत होगी। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठ रहे हैं और म्युनिसिपल कमेटी पे सवाल उठ रहे हैं कि वो कहाँ है, और एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं कि यहीं से उन लोग निकलते हैं, चाहे किसी शख्स की भी हम बात करें जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, तहसीलदार है, उन पर सवाल उठ रहे हैं कि उनको इस चीज़ पर देखना चाहिए अगर ये खड्डा खोदा गया है तो किस पर्पज़ के लिए खोदा गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है इसके जो है यहाँ पे वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं जो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं, इनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करें। गुप्ता जी क्या बताना चाहोगे, आप भी इस रास्ते से निकलते हैं क्यों इस तरह की दिक्कत लोगों को यहाँ पे आ रही है? देखिए वसीम साहब, ऐसी कई जगह हैं जहाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी के दायरे में जो भी है वो तो हम कर रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी भी हैं वो भी हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस खड्डे के बारे में हमने 4-5 बार इनको चिट्ठी भी लिखी, मरहूम रफीक साहब बेचारे गुजर गए, उनको भी 2-3 बार मैंने टेलीफोनिकली भी बोला कि इस खड्डे का कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन मैंने उसके अलावा PHE की टीम जिसमें PHE और साथ में क्या कहते हैं एक्शन भी और उनके आमला पूरा लाया था, इसके अंदर में कुछ पाइपें हैं, हमारे म्युनिसिपैलिटी वाले लड़के तो बेचारे इसको सरिया उरिया डाल के ठीक करते हैं, लेकिन ये काम है RNB का, उनको करना चाहिए। बड़ा एक अहम सवाल है, क्या ये अच्छी बात है, एक तरफ से आपने खूबसूरती के लिए शहर की खूबसूरती के लिए आपने फाउंटेन बनाया है, दूसरी तरफ से इतना बड़ा खड्डा? देखिए मेरे तक जो था मैंने आपको बता दिया, जो हम सो पाते हैं हम करते हैं, ये काम है RNB का, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हमारे स्वीपरों की या म्युनिसिपैलिटी की कोई जरूरत है वो हम करेंगे, लेकिन जो काम RNB ने करना वो RNB नहीं करना है। देखिए एक ये जेन्युइन बात है, हम देख रहे हैं कि जो हमारा घंटाघर है ये तो शहर की खूबसूरती के लिए बनाया गया था, इर्द गिर्द आप देखेंगे चारों तरफ से कुत्ते बैठे होते हैं,
उसके लिए क्या सोचा? देखिए, इसके लिए मैंने पिछली बार ही अपने ईओ को हदायत दी थी कि उसको साइडों से एंगल लगा के बंद किया जाए और हम जल्दी वो बंद कर देंगे। तो लोगों को किस तरह की अपील करेंगे आप? लोगों को तो आपके माध्यम से हम अपील करते ही जा रहे हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सफाई का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। पिछले दिनों हड़ताल थी, उसके बाद भी हमने कल एक ड्रम बीटिंग भी करवाई है कि कम से कम सफाई का खास ध्यान रखें। और इन और गवर्नमेंट से भी मैंने अपील की है। बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, काफ़ी परेशानियों का सामना, खास करके जो आपका अपना वार्ड है, नगरी का इलाका जो पड़ता है, जो जीएमसी को जोड़ता है, वहाँ पे हमने कल भी देखा लोग मोबाइल के जरिए वहाँ से चल रहे थे। टार्च आज भी लोगों को जलानी पड़ रही है यहाँ के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट किस नाम से हम जाने इसको? देखिए, हमारे पास जो भी लाइटें आती हैं, ऐसी बात नहीं है कि लाइटें नहीं है सिटी में। आज भी देखिए आप, मेरे हिसाब से बाकी म्यूनसिपलिटियों से यहाँ सबसे ज़्यादा लाइटें लगी हुई हैं। लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि जितनी भी केबल वगैरह, जितनी भी इनकी बिजली वालों की है, वो सब नीचे है। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई केबल गाड़ी वाला या वो निकाल देता है। एक बार डिप्टी कमिश्नर विकास शर्मा जी यहाँ पे थे, उन्होंने बताया था कि 16 लाइटें पूरे शहर के अंदर लगाए, और उसके बाद कोई भी कदम नहीं उठाया गया आपकी तरफ से? देखिए, हमारी तरफ से नहीं, 16 लाइटें जो थी वो देनी थी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मानी भी थी कि हम आपको 100 लाइटें देंगे, लेकिन जो देर डिप्टी कमिश्नर साहब आया, इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिया। इन्होंने वो गणपत पुल पे और कुछ हमारे जो लिंक रोड है उस पे लगाई हैं। लेकिन हमारे पिछले साल से एक टेंडरिंग थी, वो होने जा रही है, जल्दी हो सकता है कि वो टेंडर हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे सिटी में 4200 लाइटें लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने वेद प्रकाश गुप्ता जी, और आम लोगों से हमने जानने की कोशिश की जो ये खड्डा है, ये खतरे की घंटी है और काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ता है। पहले भी हमने दिखाया था कि फाउंटेन की किस तरह की हालत है, और इस खड्डे से अब लोग कितना ज़्यादा परेशान है। जो कंसर्न महकमा है आरएनबी डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी अपील रहेगी उनसे भी और वेद प्रकाश गुप्ता जी ने भी बताया कि जल्द से जल्द ये खड्डा बंद किया जाएगा। इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोवाइन एनिमल्स को लेकर आपको बताते चलें कि जिस तरह से लगातार एक गोरख धंधा हमें देखने को मिल रहा है पशु तस्करी को लेकर, और उससे कहीं ना कहीं हमारे जो बेजुबान पशु हैं उनकी जिंदगी लगातार दाव पर लग रही है, और उसी को लेकर जिला प्रशासन सांबा ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है। ये ऑर्डर जो है ये डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी की तरफ से जारी किया गया है, और ऑर्डर ये है कि पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोवाइंस पर जिला सांबा में। यानी जिस तरह से लगातार खबरें मिल रही थी कि कई अलग अलग जगह पर जो है इलीगल तरीके से पशु तस्करी की जाती है, और पशु तस्करी के बाद हम ये देखते हैं कि तमाम यहाँ पर माहौल खराब होने की जो आशंका है वो रहती है, डर रहता है माहौल खराब होने का। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी एजेंसीज हैं जो लगातार ये एक गोरख धंधा चला रहे थे कि पशु तस्करी जो वो धड़ल्ले से की जाए और इन बेजुबानों की जिंदगी दाव पर लगाई जाए। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन सांबा ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि पूरी तरह से बैन लगाया गया है इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोवाइन एनिमल्स पर जिला सांबा में अगले 60 दिनों तक, यानी जिला के बाहर कोई भी जो गाड़ी पशुओं से भरकर जाती है वो नहीं जाएगी, और इसको लेकर पर्टिकुलर टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है कि अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई गाड़ियां पशुओं से भरकर कहीं दिख जाती हैं जिनकी तस्करी की जाती है तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर जो ऑर्डर है ये जिला प्रशासन सांबा ने जारी कर दिया है कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोवाइन एनिमल्स पर। यानी अगर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करें या थ्रू डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करें तो यहां से कोई भी गाड़ी जो है वो पशुओं से भरकर अब नहीं जाएगी। ये ऑर्डर जिला प्रशासन सांबा ने जारी कर दिया है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए और पूरी तरह से शांति यहां पर बनी रहे उसी को लेकर ये ऑर्डर जो वो जारी कर दिया गया है। और अगर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी की बात करें तो उन्होंने ये जो ऑर्डर जारी किया है अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के तहत जारी किया है, और इसमें साफ तौर पर मेंशन किया है कि बोवाइन एनिमल, उसमें चाहे गाय की हम बात कर लें या भैंसे, जिस तरह से लगातार वो भी ट्रांसपोर्ट इलीगल तरीके से की जाती है, बफेलोज की बात कर ले, काफ की बात कर ले, तो ये अब जो है ये इनको इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, यानी इनके ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और उसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि कोई पशु कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना भी है तो उसको लेकर प्रायर परमिशन जो है वो एडिशनल जो डीसी सांबा होंगे
उनकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, डीसी सांबा की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो है इन बोवाइंस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यानी एक दो बोवाइंस जो हम रूटीन में देखते भी हैं कि कुछ लोग जो वो गायों की सेवा करना चाहते हैं तो कहीं से वो पशु लेना चाहते हैं, वो लेकर भी आते हैं, लेकिन कई बार उनके पास भी परमिशन नहीं होती और वो भी पकड़े जाते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए यही एक मैसेज है कि अगर आप कहीं से पशु जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रायर परमिशन जो है वो जिला प्रशासन सांबा की होनी चाहिए। अदरवाइज जो गाड़ियां भरकर जो वो आती हैं, चाहे वो देश के अन्य हिस्सों से आती हैं, उसको लेकर भी यहां पर लगातार खबरें हमें देखने को मिल रही हैं कि यहां आए दिन हमें तस्करी के प्रयास देखने को मिलते हैं। लेकिन जो जिला सांबा की बात हम कर रहे हैं, जिला सांबा से कोई भी पशुओं से भरकर गाड़ी जो है वो देश के अन्य हिस्सों में, या अगर इंटर स्टेट की बात करें यानी जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों की बात करें, तो सांबा जिला से अब कोई भी गाड़ी जो है ये पशुओं से भरकर नहीं जाएगी। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत मिल जाती है, अगर इस तरह की कोई भी गाड़ी दिख जाती है, तो जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से धारा 144 CRPC के तहत ये ऑर्डर प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया और अगले 60 दिनों तक ये जो ऑर्डर है ये इंप्लीमेंट रहेगा। इस ऑर्डर में एक लाइन साफ तौर पर लिखी हुई है, दिस ऑर्डर शैल कम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट एंड शैल रिमेन इन द फोर्स ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यूएंस और टिल द सेम इज रिसाइंडेड विच एवर इज अर्लियर। तो ये साफ तौर पर मेंशन किया कि 60 दिनों तक ये जो प्रतिबंध है ये पूरी तरह से लगाया गया है और कहीं ना कहीं यहाँ जो माहौल खराब किया जाता है पशुओं की तस्करी कर, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं, उसी को लेकर लगातार जो खबरें प्रशासन तक पहुंच रही थी, लगातार कुछ कंप्लेंट जो प्रशासन तक पहुंच रही थी कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए कहीं ना कहीं इन बेजुबान पशुओं की जिंदगी दाव पर लगा रहे हैं और लगातार कई अलग अलग इलाकों से पशुओं को चुरा कर एक जगह पर उनको रखते हैं, फिर वहां से गाड़ियां भरते हैं और उनको वहां से इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है कश्मीर घाटी की ओर या देश के अन्य हिस्सों में या डिस्ट्रिक्ट इंटरस्टेट की बात कर ले कहीं पर भी। तो सांबा जिला से अब कोई भी गाड़ी जो वो पशुओं से भरकर कहीं नहीं जा सकती, जिसको लेकर प्रशासन ने ये पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये प्रतिबंध रहेगा अगले 60 दिनों तक। 60 दिनों के बाद क्या कुछ इसमें और इस ऑर्डर में चेंजेस देखने को मिलती हैं, इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन कहने के पशुओं की जिंदगी को लेकर लगातार हम ये अपडेट आपको करते रहते हैं कि उनकी जो तस्करी लगातार की जा रही है, उनकी जिंदगी दांव पर लगाई जाती है। अब यहां पर कानून में तो प्रावधान लाने की जरूरत है ही, लेकिन अगर जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा में इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी जिला सांबा से या फिर थ्रू डिस्ट्रिक्ट सांबा अगर कोई भी गाड़ी पशुओं से भरकर कहीं भी जाती है, उसको लेकर पुलिस की टीमें जो है वो तैनात हैं, अलग अलग नाका पॉइंट्स पर चेकिंग अप की जाएगी, अलग अलग नाका पॉइंट्स पर नफरियों को तैनात कर दिया जाएगा और कोई भी गाड़ी अगर दिखती है तो उसके ऊपर जो कानून है कानून में रहकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये ऑर्डर में साफ तौर पर मेंशन किया है कि पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोवाइन एनिमल्स पर पूरे जिला सांबा में, कि किसी तरह की कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अब इन तमाम पशुओं की नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी है और उम्मीद करेंगे कि जो ऑर्डर्स जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, इसको लेकर पुलिस को प्रशासन को और ज्यादा सख्ती से निपटने की जरूरत है। इन तमाम तस्करों से जो लगातार बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगाते हैं, उनकी तस्करी करते हैं और ये कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी जानकारी पशु तस्करी के हवाले से सामने आ रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने बैन लगा दिया है पशु तस्करी पर जिला सांबा में, यानी ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए, मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया।